Hey guys, good morning. Welcome back to my another video. तो कैसे हम सब लोग उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे. तो guys, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी का सीन कुछ ऐसा कि मैं उठ चुका हूँ. आज थोड़ा लेट उठी बिकॉज ऑफ ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है और मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ आज. आप लोग भी देख लीजिए. वाह बेटे वाह, क्या हो रहा है आज सुबह सुबह इतनी जल्दी मेरे से पहले उठ के. अच्छा मैं कब से उठा रही हूँ? तो सोने दिया करो यार एक दिन. तो कौन साफ करेगा? आप करोगे? पता कितने ठंडे हो गए मेरे हाथ पांव, इतने बर्तन धोने में इतना सारा काम किया. तो भाई यहाँ पे देखो इन्होंने सफाई कर दी गैलरी पूरी, दो दी है. शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छे. बोलना मुझे आग जलाओ आग जलाओ. मैं नहीं बोलता. तो गाइस यहाँ कर रहे हैं ये सफाई और अभी चाय का करते हैं इंतजाम. मैं क्योंकि अभी उठाऊँ चाय पीता हूँ, पहले फटाफट चाय पीता हूँ उसके बाद होते हैं रेडी और निकलते हैं. आज मुझे पैदल ही निकलना पड़ेगा अपनी दो पहिया गाड़ी पे, तो क्योंकि एक्टिवा में ऑयल तो है नहीं, पेट्रोल नहीं है. तो पता करते हैं पहले फटाफट जाके कि कहाँ पेट्रोल कहीं मिल रहा है. तो सुबह सुबह लगते हैं लाइन में और 12 बजे तक शायद कुछ ना कुछ मिल जाए. तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक हो. मैं यहाँ पर अभी फोन देख रहा हूँ क्योंकि अभी हम करते हैं चाय का नाश्ता. सो हे गाइस, सुबह के बज गए हैं 11:30 और मैं यहाँ बना रही हूँ गुगु के लिए सूजी का हलवा. गुगु ने खाना बहुत कम खाया, उसको भूख नहीं है खाना खाने, उसको नाश्ता उसने नहीं किया. तो वो बोल रही है मम्मा मुझे सूजी की खीर खानी है. तो यहाँ मैं बना रही हूँ गुगु के लिए सूजी की खीर. और मैंने आज मॉर्निंग में ओट्स खा लिया है और लंच में मैं दाल और रोटी खाऊंगी. तो सबसे पहले अभी ये बना रही थी और मुझे लिटरली इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है आज और यहाँ इतनी ज़्यादा पेन निकल रही है. सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड है. और मैंने आज सुबह सुबह उठ के ना जो वो दिखाई ना बहादुरी कि हाँ मैं ये कर गैलरी धो देती हूँ और मुझे भारी पड़ रहा है, मुझे जुकाम लग गया है और बहुत ज़्यादा ठंड और छाती में दर्द हो रही है. तो गाइस फटाफट बनाती हूँ मैं सूजी का हलवा डुबू के लिए और डुबू खाएगी बच्चे से. फिर जैसे बहन होती है ना छोटी बहन, वैसे इसके नखरे छोटे भाई है. तू भाइयों को आते चले ठीक है, ये खेल रहे हो खेलते हैं इसको खेलने शॉपिंग शॉप. तो गाइस ये औरत जो है ना सारा दिन कंबल में रहती है, सारा दिन कंबल में रहती है, 24 घंटे फ्लोर पास में होता है. अभी ठंड पूरा कैम्बर इस पे गिर रहा है. दिमाग खराब करके रखा मुझे इस कंबल ने और इस बेड ने मेरा. 24 घंटे यहाँ लंबे पड़े होते हैं, थोड़ा उठ के बाहर घूम लिया करो, चक्कर चक्कर मारो. ठंड कल ही आप पे पड़ रही है क्या? 5 दिन हो गए सूरज का मुंह देखे हो, पता है? सूरज का मुंह नहीं देखना, सूरज को बुलाता हूँ मैं आज ही, देख लेना उसका मुंह. हे गाइस, तो शाम के बज चुके हैं 6 और मैंने 5 से 6 अपना वर्कआउट किया डन. और सीरियसली आज 3 दिन के बाद वर्कआउट किया और बहुत अच्छा लग रहा है, पर सांस इतनी ज्यादा फूल गई थी कि सांस ही नहीं आ रही है मुझे. तो मैं पी रही हूँ गर्म पानी क्योंकि अब फिर से रूटीन में आना पड़ेगा. 25 डेज का चैलेंज है तो उसको पूरा करना पड़ेगा. सिर्फ हमारा 2 दिन वर्कआउट नहीं हुआ है, 1 दिन मैंने फिर भी खुद से किया था, क्लास नहीं मैं ले पाई, बट मैंने किया वर्कआउट और आज का वर्कआउट भी बहुत अच्छे से हो गया. और कल से जो 2-3 दिन बचे हैं हमारे पास, बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे और अपना गोल हमको अचीव करना है किसी भी हालत में. तो ओके गाइस, अभी फिलहाल करती हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद पीऊंगी ब्लैक टी, तो मिलती हूँ आपसे. सो हे गाइस, तो रात के बज चुके हैं 8:30 और अभी मैं पहुंचा हूं घर पे. तो आज फाइनली मुझे पेट्रोल मिल गया है. मैं गया था लेकिन आज भी लाइन काफी ज्यादा लगी थी, कम से कम मुझे आधा घंटा वहां रुक के फिर पेट्रोल मिला. लेकिन अब पेट्रोल खुल गया है, सब जगह पेट्रोल मिल रहा है, तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सब लोग अपने अपने पेट्रोल डलवा सकते हैं, जितना चाहे उतना डलवा. कल तो ऐसे मिल रहा था कि 2-व्हीलर को 200 रुपए का मिल रहा था और 4-व्हीलर को 500 का, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा था. तो अभी तुम क्या कर रहे हो भाई? अभी तो बच्चे चाय पी,
और आज आज इन लोगों ने, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ गुआकामोला, आज फिर आज आज इन लोगों ने फिर देसी चूल्हा बना लिया भाई। इनको बड़ा मजा आ रहा है, क्या हो रहा है? देसी चूल्हा बनाया तो गाइस इनको पता नहीं क्या हो गया है। आज फिर मैंने खुद से आग जलाई है और मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ क्या आलू की सब्जी। देखो यहाँ बैठ के ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, आग भी जलती रहती है। ऐसे हम क्या बच्चे वहाँ बेड पे बैठे होते हैं बेचारे, ब्लॉग देख रहे होते हैं, किचन में अकेली खाना बना रही होती हूँ। यहाँ बच्चे भी बिठाए और खुद भी मजे से ब्लोर नहीं आग सेक रही और मैं बना रही हूँ आलू की टेस्टी वाली सब्जी। अभी मैंने आपको जो अभी जो आपने चाय पी ना वो इसी पे बनी थी, अच्छा। कैसा टेस्ट था ना, बहुत अच्छा टेस्ट था, अलग सा टेस्ट था। तो मन कर रहा है कि चलो जब तक हमारे पास बस इतनी सी लकड़ियाँ बची हैं, एक बाल्टी भी जो है, जब तक ये है तब तक हम जो है ट्राई करेंगे अच्छा सा कुछ भी चूल्हे पे बनाने की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी और देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो अभी बाहर का नज़ारा देखो, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है फिर भी ये लोग बाहर बैठे हैं, पता नहीं क्या है इनको भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल जहाँ खाना टी वी पे खाना बनाने का। मैं बोलता हूँ अंदर बना लो, बोला नहीं बाहर ही बनाना है। तो बस अभी करते हैं थोड़ी देर वेट खाने का, आधे आधे घंटे में खाना रेडी हो जाएगा। खाना जल्दी बन रहा है, चलो ठीक है बनाओ फिर। यहाँ देखो इन्होंने आलू प्याज टमाटर सब कुछ ले आए हैं साथ में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैंपिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कैसे वहाँ चूल्हे पे आग खाना बनाऊंगे, प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है फिर। Hey guys, तो फाइनली खाना हो चुका है हमारा रेडी, सब्जी बन चुकी है बाहर और चावल भी बन चुके हैं। तो बड़ी मेहनत से इन्होंने बनाए और यहाँ पे देखो बच्चों को खाना दे दिया है। कलर कुछ अलग है यहाँ सब्जी का, बहुत यम्मी, अलग सा टेस्ट है, बहुत यम्मी है। और खुद हम खा रहे हैं बाहर बैठ के। अभी मैं दिखाता हूँ जहाँ हमने बैठना, जहाँ आग जलाई थी हम वहाँ गैलरी में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो यहाँ देखो गाइस फाइनली हमारा खाना हो चुका है रेडी और आप लोग देख सकते हैं अभी टेस्टी सब्जी बनाई है ना मैंने आलू की। यहीं बैठ के खाएंगे हम, हाँ यहीं बैठ के खाएंगे। गैस पे कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं बन सकता था और मजा आ गया बैठ के आराम से रिलैक्स होके मैंने बनाया। ओके गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं एक साथ एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय, गुड नाइट।